बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हम सब? उम्मीद है कि सब बहन भाई खैरियत होंगे जी। आज के व्लॉग का आगाज कर रहे हैं, शुरू से लेकर आखिर तक देखना। जियान किधर बैठे हो? स्टैंड जा वाईफाई दा, वाईफाई दा ओ च जियान विच बह गया। जियान बहुत ज्यादा शरारती है। अच्छा जी, इन्नी डस्ट आ रहा ते जियान सारे कपड़े लबेड़ी फिरदा। कपड़े कठे करके रखे धोन आले, मेनु नहीं लगता धुप्पण गए। जी नेरी आ गई तो फायदा कोई नहीं आया धोन का। देखो किन्ना बदल आ गया चढ़ के। जियान आ जाओ बेटा। अच्छा जी, कपड़े धो ले आ ते हले बाकी वह धोते पे टूटियां ते सुकने पाण नूं जगह कोई नहीं हैगी। मौसम भी खराब, बदन दे पप्पा मैं कैसी कतार होर बंद हो। चलो ज़्यादा कपड़े हुण इक्को टाइम च कम मुक जिंदा वा ते हुण जदों तक ये सुकने शाम हो जाणी है फिर वो मौसम खराब अगर गमी नेरी आ गया ते फिर मसला। ते ए कपड़े ओ सॉरी बर्तन सारे धोते आके पूरी चारपाई भरी पीते साइड ते रख दी। इतने चक के फिर इस्तेमाल करी दिए क्योंकि उधरों फिर रंग वगैरह ना दोबारा गंदे हो जाते हैं। तो जियान रोन लग गया सा पापा कितने चले गए सी। तो फिर उस तो बाद मैं जियान नूं लैके बैठी रही हूँ। तो हुण उधर मार ट्यूशन पढ़ के आए तो उन्होंने पकड़ाया तो मैं क्या भी मैं चलो हूँ अपना शाम का कर लाँ खाण पीन का इंतजाम कोई। तो यह देखो बदल कदे आ जाते हैं तो कदे चले जाते हैं, मौसम काफ़ी खराब आ। अच्छा जी, मार ट्यूशन पढ़ के आ गया तो अज ए बरामदा जोड़ा ना शुरू किया वा करना कलर तो नाल ही ए वाला जोड़ा ना। तो दूसरी साइड तो देखते हैं मिस्त्री भाइयों ने किन्ना काम किया। अच्छा मार चलिए तो हम देखते हैं उधर। मेरे ख्याल मिस्त्री भाई चले गए, मैं हूँ कपड़े धो के बर्तन धो के आटा गुन के सारे काम मुकम्मल करके। तो चाचू जी ने कहा कि यह जड़ियाँ दीवारा ना इतों पता नहीं किन्ने किन्ने फुट हूँ ना मिस्त्री भाई का उधरों काम मुक गया वा तो तुम इतने ना टाइल नाल दीवार दे लगा दो फिर ए ना इतों बंदा तुर के इस साइड आवे जिधर आवे मिट्टी नहीं पैरों लगती है। साड़ा फर्ज जरा दोबारा एक दफा रगड़ाई करवानी है ना, खराब नहीं होएगा। तो हम देखते हैं इधर सारा काम मुक गया, अज प्लस्तर हो गया सारा काम फाइनल हो गया वा। तो सुबह तो शायद टफटैल ला गए ज चाचू जी जिथे भी लगा मिस्त्री भाइयों। तो हम मैं दिखा दी चाचू जी और चाची जी वास्ते स्पैशल क्लिप। देखो जी जिथे भी बंदा बैठा हो ना अपना घर बार बार देखने को दिल करता वा, बंदा नहीं थकता। तो यह एक बड़ा जहा कमरा बनाया वा, ये पता नहीं हाले तो कोई नहीं डिसाइड है अंदरों बहर हो गया ना सारे। हाँ जी, अगे ए सिर्फ ना ए बरामदा रह गया सी ए वाला जेड़ा वा। तो हुण ये भी सारा तकरीबन है देखो ना फाइनल हो गया। ए देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, तो यह बराबर करन लग गए मिट्टी कुछ तो होर भी मतलब ना अच्छा लगन लग गया वा। तो बस सिर्फ ना एक ए इटा रह गई वा, इटा तो बाद इधरों बालन भी असी टुक के एक जगह तो इकट्ठा करके रख लिया। बाकी जरा घा वगैरह उग गया बंदा पट देंदा, मिट्टी हले लगनी आ प्लस्तर होना चार दीवारी तो वह बाले भी पे वह भी जरूरत आ क्योंकि इस तरह दीज़ा हम बहर रखो तो बच दियाँ नहीं। ऐ थोड़ा जहा पत्थर पिया वा बस, तो बाकी सारा आस्ता आस्ता काम फाइनल हों जाता वा। लग छेती हूँ मुक जाएगा, बस चार दीवारी का प्लस्तर रह गया। हाँ जी बेटा, स्कूल आया करो। मैंने कहा सुबह पापा गाड़ी पे छोड़ने गए हैं। अच्छा सुबह। अच्छा जी, मार कह रहा है कि आप लोगों ने गाड़ी रखी हुई है। मेरे सर कह रहे थे कि आप ना गाड़ी पर स्कूल हैं कि सर जी इतना महंगा पेट्रोल है तो हम कभी कभार गाड़ी निकालते हैं, हर वक्त नहीं हम गाड़ी पे जाते। मैंने कहा हम आज आए थे गाड़ी पे। अच्छा, आज पापा छोड़ने गए थे सुबह। अच्छा, सुबह पापा गाड़ी पे छोड़ के गए। मुझे नहीं पता लगा, वरना मैंने कहना था सिर्फ अमार पैदल जाए, थोड़ी वॉक हो जाती है ना। सीधा आपको पता नहीं इस गेट से, नहीं थोड़ी वॉक हो जाती है बंदा फिर स्मार्ट रहता है फिट रहता है। अच्छा जी,
टफ्ट लगाने तो बाद मेरा ख्याल है चाचू जी कह रहे थे कि यह ना गेट के जो पिलर है ना इन्हों पता नहीं प्लस्तर करके तो फिर टाइल वगैरह लगती है फिर इन्हें अगर जो रैंप जहा बना उ भी टाइल लगानी है कि यह काम मुकम्मल करना वा घर के सामने यह सेन यह गेट ये पहले असी करना वा कोई मेहमान आए जो भी आए ना बाकी चार दीवारी प्लस्तर होंगी रही कि बार बार मिस्त्री लगे रहेंगे जिस तरह मर्जी तो यह सेन पहले उतों दीवार तो शुरू करनी है टफ टाइल इदा लगती 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 फिर इतने सेन च लगवा देनी है तो उस तो बाद गेट तक करवा लेना वा क्योंकि घर की जी फ्रंट साइड है ना ये खूबसूरत होनी चाहिए जो बंदा घर च बड़े तो खूबसूरत खूबसूरत ना लगे घर तो साडा जो इधर असं गेट तो वढ़ते हैं गेट का भी काम रहा वा आ सेन का भी रहा वा तो बैक साइड सारी साड़ी फाइनल है तकरीबन ही तो यह साइड जी ना यह मुकम्मल करवानी है क्योंकि फिर इतों जी मिट्टी है ना ये फर्श से नहीं जाएगी तो फर्श तो जो एक बार फिर पॉलिश जी करवानी आ क्योंकि फर्श का बहुत बुरा हाल आ कलर हूँ पहले सीलिंग वाले ने किया वा हूँ रंग वाले कर रहे हैं उन्होंने बेचारे का तो कोई वस नहीं है तो हूँ जोड़ा आज देखे ना झाड़ू ना भी नहीं लत था फर्श इन्ना सोहना सी लेकिन जरा रेगमाल मार के सीमेंट गिरदा ना वाइट वो सारा फर्श तो धोना भी साफ नहीं होना तो चाचू जी कह रहे थे एक बार ना मशीन जी के नाल पॉलिश करवावे दोबारा तो फिर उस तो बाद मैं कहनी हाँ कि ऐसी मट्टी वगैरह ये ना चमक खत्म ना हो इत लग जाए टफ टाए बैक साइड भी मैं दिखा दी है तो हूँ मैं लगी हाँ खाना बना शाम का तो अदन जियान लिया के बैठी वो खेलती है तो जियान उदों का खेलता बैठा वा तो बाकी हूँ इंशाला बहुत जल्द यह पोर्शन हाँ जी तो यह पोर्शन बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा तो फिर दूसरे शुरू हो जाएंगे आस्ता आस्ता अल्लाह करे सारे काम हो ही जाते हैं तो चलो जी हूँ मैं अपना बना ला खाना तो बाकी जो कोई गल होर याद आ गई तो फिर अपने भैन भरावान शेयर कर लेंगे अच्छा जी अल्लाह पाक किसी नूं किसी चीज़ की कमी ना दे अगर किसी भैन भरा को घर नहीं है अल्लाह पाक उन्होंने घर दे अगर किसी भैन भरा को औलाद नहीं हैगी अल्लाह पाक उन्होंने औलाद दे अल्लाह किसी नूं किसी चीज़ की कमी ना दे अल्लाह पाक दे भरे खजाने अल्लाह पाक तो घर किसी चीज़ की कमी नहीं है। हाँ जी इधर बैठे हो चले ठीक है फिर आपी के साथ खेलने केक बना रहे हो जान। अच्छा जी जान मुझे आवाज़ें दे रहा था। अच्छा जी मैं कैमरा बंद करने लगी हूँ। अच्छा जी मैं कैमरा बंद करने लगी इधर किसी साइड से ना किसी ने टेप चलाई हुई है कोई हल वगैरह चला रहा बाकी वीडियो बाद बनावे। अच्छा जी इधर लिखे बैठी कलर बना रही है कलर कहता की बना रही है सुकन लग्या फिर दोबारा नीचे फुट पिया वादन ने दुपट्टा टंगिया जिस दिन बहुत ज्यादा तूफान आया सी ना उस दिन इस दरख्त का ना टाणा टुट गया हमने सुक जूगा इन कट के तो मैं फिर ना यहाँ बरीक ना रोटियां पकाऊंगी मोटे ना सालन पकाऊंगी। हाँ जी अच्छा जी अदन मार सो गए जियान वो देखो भांडिया की पोल फलाइया कर रहा पिछली साइड से जियान इधर आ जाओ बेटा। अच्छा जी अदन के पापा के ना दाड़ च दर्द हो रहा वा तो उस दिन लैके आए थी दवाई फतेहपुरों नहीं इस तरह हूँ दवाई तो तुसी खा लो लेकिन दर्द कर दी दे विच फीलिंग तो नहीं ना करवानी हैगी फिर वो ज्यादा नहीं वो तो जेडी फीलिंग की थी तो दर्द ही नहीं कर दी हैगी होर कोई कर दी उतले पासे मुकम्मल वो कर दी है जाड़ा दर्द कर दी ऊपरली साइड हूँ कर दी है नीचे वाली तो उन्हें फीलिंग कर देते। अच्छा ऊपरली सारी ही कर दिया ऊपरली ते मैं तो जेडे ने हाथ लाउना वही दर्द कर रहा है उधर देखो जियान की कर रहे सही ठीक जियान नु मैं नहीं दसा तो मेरे तो गल्ला नहीं हुंदियां है कि मेरा अगे जेड़ा ना जवाड़ा दुखदा सही अल्लाह पाक तंदुरुस्ती देवे ते दुख कोई भी नहीं ठीक है कुछ कह दें मैं कह दी हाँ कि मेदा ठीक होवे होर कोई होवे तो बंदा कद कद सोचता है बंदा कहना ना भी दंद दर्द नहीं होना चाहिए कन च कन आला भी बहुत मुश्किल है जे बंदा कहे भी दंद आला वह भी बहुत मुश्किल है जे अख का दर्द वह भी बहुत दर्द कोई आ
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰਾ ਮੇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਗੋਡਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਤੇ ਦਰਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਦਰਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਅੰਮਾ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਨ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾ ਹਾਏ ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਨਾ ਮਰਦਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆਇਆ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਦੱਸ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਆ ਦੁੱਖ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਿਖੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਨਾ ਮਰਦਾ ਤੂੰ ਮਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾਈ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੀ ਆ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਾੜ ਨਾ ਦੁਖਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬ ਸ਼ਕ ਦੁੱਖ ਪੈਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਦਾ ਨਾ ਦੁਖਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਡਾ ਗਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਖ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਪੇਟ ਚ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਰਦ ਹੀ ਮੇਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੁੱਖ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਨ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਨ ਨੂੰ ਪਕੜੋ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਚਲਾ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਲੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਨ ਇਧਰ ਝੂਲੇ ਦਵਾਂ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ